हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। चलिए बनाते हैं जन्माष्टमी स्पेशल रवा केसरी। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम 2 चम्मच घी गरम करेंगे। घी को बिल्कुल अच्छे से मेल्ट होने देते हैं। जब घी अच्छे से गरम हो जाए तो हम इसमें डालेंगे कुछ कटी हुई ड्राई फ्रूट्स। आपके पसंद के ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं काजू और कुछ आमंड्स को छोटे छोटे काट लिया है और उसको इस तरह से फ्राई कर लेंगे ब्राउन कलर होने तक। ये अच्छे से फ्राई हो गया है तो इसको एक प्लेट पर निकाल लेते हैं। अब डाल देते हैं कुछ रेजिन्स यानी कि किशमिश, इसे भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे घी पर। और जब ये अच्छे से फूल जाएगा तो इसे भी निकाल लेते हैं। अब बची हुई घी है इसमें, तो उसमें डाल देते हैं रवा यानी कि सूजी। सूजी यहाँ पर मैं 1 कप से थोड़ा सा कम लिया है, आप चाहे तो 1 कप सूजी ले। और यहाँ पर मैंने 2 कप पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। और हम इस घी में सूजी को अच्छे से इस तरह से ड्राई रोस्ट करेंगे। अब इसमें गर्म पानी डाल देंगे अच्छे से, थोड़ा सा ब्राउन कलर जब हो जाए। ज़्यादा हमें ब्राउन कलर सूजी को नहीं करना है, बस हल्का सा कलर चेंज हो जाए तो हम इसमें पानी डाल देंगे। अब हम इसको 2 से 3 मिनट इस तरह से कुक होने देते हैं ताकि सूजी हमारा थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। बाकी के पानी भी डालेंगे धीरे धीरे करके। अभी देखिए पानी बिल्कुल सूख गया है, तो इसमें डाल देते हैं 1 कप चीनी। आप चाहें तो और भी शुगर डाल सकते हैं अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद हो तो। अब अच्छे से इसको भी मिक्स करेंगे। चीनी अच्छे से मेल्ट हो गया है तो बची हुई पानी भी डाल देते हैं इसमें और इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं बिल्कुल। लास्ट में हम ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे और उसके साथ डाल देंगे 2 चम्मच घी और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो इसमें नमक भी डाल सकते हैं, मैं यहाँ डाल नहीं रही हूँ क्योंकि हम जन्माष्टमी में बनाएंगे तो नमक नहीं डालेंगे। अगर आप नमक खाते हैं तो नमक भी डाल सकते हैं। अलग से दिन में आप बना रहे हैं तो आप नमक ज़रूर डालिए, नमक डालने से इसका टेस्ट और भी अच्छा रहेगा। बस बहुत ही कम नमक, लेकिन ये ध्यान रखना है बहुत ही कम नमक। अब लास्ट में हम केसर डाल के इसे मिक्स कर लेंगे। बस ये रेडी हो गया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।